सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में बाप ऑफ टेक्निकल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज आप सीखने वाले आज के वीडियो में कि कैसे बूटेबल ड्राइव हम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे मैं पीसी में जाके देखिए, यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव शो कर रहा है। सबसे पहले इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, तो राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट कर सकते हो और यहाँ पे स्टार्ट कर दो। एज इट इज जैसा है वैसा रहने दो, थोड़ा टाइम लेता है और आप देखिए थोड़े सेकंड, कुछ सेकंड में ये रेडी हो जाएगा। देखिए हो गया। जो भी आपका डाटा वगैरह है आप पहले डिसाइड कर लेना कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप रखना चाहते हो। तो अभी ये हमारा विंडो फाइल है, ये देखिए रिफ्यूज है। यहाँ पे ये अपना बूटेबल ड्राइव के लिए सपोर्ट करता है। तो इसको ये देखिए हमारा पेन ड्राइव शो कर रहा है उस पर। यहाँ से देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड वो ऑटोमेटिक सर्च कर लेता है उसको फाइल कौन सी डाउनलोड करनी है, ISO फाइल। तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ, आपको मैन्युअली बताता हूँ। इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते, फिर सेलेक्ट करते और जहाँ हमारी फाइल है वहाँ जाते, डेस्कटॉप पे रखा मैंने। तो वहाँ से देखिए विंडो का ISO फाइल है, इसको हम ओपन करते, देखिए आ गया। और ये GPT आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये GPT ऐसा है कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है MBR। तो आप बूटेबल ड्राइव बनाने से पहले आप अपना PC चेक कर लेना कि आपका हार्ड ड्राइव GPT है या MBR है। उसका कैसे चेक करते हैं मैं इसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरा GPT है, तो मैं GPT पे ही सेलेक्ट रहने देता हूँ। तो अभी आप एज इट इज जो भी है आप रहने दो। और यहाँ पे वॉल्यूम लेबल है, यहाँ पे आपको जो भी नाम समझ में आए आप यहाँ डाल सकते हो। तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। और ये ऑप्शन आता है देखिए, ये जो रिमूव और रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB रैम वगैरह, ये ऑटोमेटिक टिक होके आता है। और रिमूव ये रिक्वायरमेंट नीचे सेकेंड है ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह का। तो वो जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये ऑप्शन आता है। तो ये नहीं आने के लिए इसको आप एज इट इज रहने दे, ओके कर दो। अब ये वार्निंग करेगा, जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक पेन ड्राइव का। तो देखिए हमारा बूटेबल ड्राइव बनना चालू हो गया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ सीन अपना वीडियो फॉरवर्ड कर दिया हूँ, तो फटाफट हो जाएगा। अभी डिपेंड करता है आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके हिसाब से ये उतना टाइम लेगा। देखिए ऑलमोस्ट अब डन हो गया। अभी क्लोज कर देंगे, कंप्लीट हो गया है। तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप वीडियो पूरा देखें, और मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में मैं समझाया और स्लो समझाता हूँ, फास्ट नहीं समझाता कि आपको कुछ भी मिस ना हो, आप इजीली समझ जाएँ। तो अभी देखिए हम माई PC में जाते हैं और ये देखिए हमारा बूटेबल ड्राइव यहाँ पे बन गया है पेन ड्राइव हमारा। इसको हम क्लिक करते हैं और सेटअप करते हैं, तो विंडो ओपन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना।